हॉरर कहानियां थी। हॉन्टेड बस। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क पर इक्का तुक्का गाड़ियां चल रही थी। अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके शीला और निकिता बस स्टॉप पर खड़ी थी। आज तो हमें बहुत देर हो गई, पता नहीं घर जाने के लिए हमें कोई साधन मिलेगा भी या नहीं। अगर कोई साधन नहीं मिला तो कहीं रात इसी बस स्टॉप पर ना बितानी पड़े। अपनी काली जुबान बंद कर, जब देखो तब उल्टी बातें ही करती है। अरे कुछ देर रुक जाना, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई बस नहीं मिलती। धीरे धीरे समय के साथ साथ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का दिखना भी बंद हो जाता है। अरे ये देख, अब तो सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। दूर दूर तक गाड़ी और किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। एक काम करते हैं, वापस अपने ऑफिस चलते हैं। हम दोनों आज रात वहीं गुजार लेंगे। देख, तुझे अच्छी तरह पता है 10 बजे के बाद चौकीदार ऑफिस के मेन गेट पर ताला लगाकर अपने घर चला जाता है। ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है। इस सुनसान सड़क को देख मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक काम करना, उसी चौकीदार के घर चलते हैं। वो भी तो परिवार वाला है, हम बेफिक्र होकर आज रात उसके घर पर रुक सकते हैं। अरे पागल, चौकीदार 10x10 की खोली में रहता है, उसके 4 बच्चे हैं। भला वो हमें अपने घर में कौन सी जगह देगा। अब तू ना ये बेकार की बातें बंद कर और चुपचाप खड़ी रह, शायद कोई लिफ्ट ही मिल जाए। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक नीले रंग की बस उनके सामने आकर रुकती है। बस का दरवाजा खोल कंडक्टर उन दोनों से कहता है, कहिए कहाँ जाना है आप दोनों को। देखिए मेरी पूरी बस खाली पड़ी है, मैं आप दोनों को आपके ठिकाने पर छोड़ दूंगा। इतना कहकर कंडक्टर मुंह में भरे पान की पिचकारी सड़क पर दे मारता है। निकिता, लोगों का कहना है कि कुछ महीने पहले इसी तरह अंधेरी रात में एक नीली बस के अंदर कुछ बदमाशों ने एक जवान लड़की की हत्या कर दी थी। इस बस का रंग भी नीला है, कहीं ये वही बस तो नहीं। कंडक्टर शीला की बात सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखिए मेम साहब, उस घटना के बारे में मैंने भी सुना है। माना कि उस बस का रंग और मेरी बस का रंग एक है, लेकिन दुनिया में नीले रंग की एक ही बस तो नहीं है ना। ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। देखिए हमारी बस में एक मेम साहब पहले से ही बैठी हैं, चाहे तो आप देख लीजिए। निकिता गर्दन उठाकर देखती है तो बस के पीछे वाले हिस्से में एक लड़की कंबल ओढ़े बैठी हुई थी। सही तो बोल रहे हैं भैया, बस में पहले से एक लड़की बैठी है, चलो हम भी बैठ जाते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। अरे ठहर जाना निकिता, मुझे डर लग रहा है। अरे तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू यहीं खड़ी रहे, मैं तो चली। अरे तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है, मैं भी चलती हूँ। दोनों बस में जाकर बैठ जाती हैं। देखते ही देखते ड्राइवर बस को तेज रफ्तार में चलाना शुरू कर देता है। तभी शीला की नजर पीछे वाली सीट पर अकेली बैठी लड़की पर पड़ती है। उस लड़की की लाल आंखें और उसका आधा जला हुआ चेहरा देखकर शीला घबरा जाती है। सुन निकिता, हमारे पीछे जो लड़की बैठी है ना, उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल और चेहरा किसी चुड़ैल की तरह डरावना दिख रहा है। अरे छोड़ ना, कौन कैसा दिखता है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं थोड़ी देर झपकी लेना चाहती हूँ, इसलिए अब तू अपनी बड़बड़ बंद कर प्लीज। बेफिक्र निकिता अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। दूसरी ओर बस जंगल के रास्ते में पहुंची है। चारों तरफ घना अंधेरा और साथ ही जंगल में मौजूद जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें शीला को और भी ज्यादा डराई जा रही थी। थोड़ी ही देर में बस एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरती है। तभी अचानक बरगद की डाल पर बैठी एक बिल्ली कूदकर खिड़की के रास्ते शीला की गोद में आ गिरती है। मर गई रे, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। शीला के चिल्लाने की वजह से निकिता की आंख खुल जाती है और वो भी घबराकर इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की उठकर शीला के पास आती है और बिना कुछ कहे उस बिल्ली को शीला की गोद से उठा उसे सहलाते हुए अपनी गोद में लेकर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अरे शीला, तू तो बहुत ही डरपोक है, जरा जरा सी बात पर उछल पड़ती है, मैं कल से अकेले ही सफर करूंगी।
अरे मैं क्या करूं, वो बिल्ली अचानक मेरी गोद में आ गिरी। अपनी बकवास बंद कर और मुझे चैन से सोने दे। इस तरह शीला को डांट कर निकिता फिर सो जाती है, पर तभी अचानक एक झटके से ब्रेक लगाकर ड्राइवर बस को रोकता है। शीला खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो उसे सड़क के किनारे एक काला आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और अजीब से कपड़े देखकर शीला को घबराहट होने लगी। क्या हुआ ड्राइवर भैया, आपने बस क्यों रोक दी? अरे वो देखो वहाँ, वो सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है, उसी के लिए मैंने बस रुकवाई है। शीला निकिता को धक्का देकर नींद से जगाती है। अरे अब क्या हुआ? वो देख, सड़क किनारे कितना डरावना आदमी है, उसका अजीबोगरीब हुलिया देखकर लगता है जैसे कोई शैतान खड़ा हो। अब शीला की तरह निकिता भी उस आदमी को देखकर थोड़ा डरने लगती है। कंडक्टर, क्या तुम उस आदमी को बस में चढ़ाने वाले हो? उसे देखकर हमें डर लग रहा है, उसे बस में मत चढ़ाओ। अरे डरने की कोई बात नहीं है मेम साहब, ये आदमी जंगल के पीछे वाले गांव में रहता है, ये रोज इसी वक्त मेरी बस में बैठकर पड़ोस वाले गांव में जाता है, और वैसे भी ये बेचारा गुंगा है, अगर आप लोगों को डर लगता है तो मैं इसे ड्राइवर के बगल में बिठा देता हूँ। ओ अच्छा ठीक है। फिर कंडक्टर का इशारा पाते ही वो आदमी बस में सवार हो जाता है। ड्राइवर दोबारा एक्सीलेटर पर जोर देकर बस को आगे बढ़ाता है। थोड़ी ही देर में बस एक घाटी पर चढ़ती है। बस के एक तरफ गहरी और डरावनी खाई थी, पर ड्राइवर को इस बात से कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा था। वो लगातार बस की रफ्तार बढ़ाकर बस चलता जा रहा था। ड्राइवर भैया, आप देखते नहीं क्या बगल में इतनी गहरी खाई है? बस की रफ्तार लगातार बढ़ाए जा रहे हो, थोड़ा धीरे चलाओ ना। अरे मेम साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा रोज का काम है, मैं तो यहाँ इसी रफ्तार से बस चलाता हूँ। अब बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। ड्राइवर के कहने पर निकिता शांति से बैठ जाती है। कुछ दूर चलने पर अचानक ड्राइवर बस को सड़क के किनारे रोक देता है। शीला एक बार फिर खिड़की के बाहर झांक कर देखती है, लेकिन इस बार उसे कहीं कोई दिखाई नहीं देता। अरे अब क्या हुआ, तुमने बस क्यों रोक दी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ड्राइवर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, पर कंडक्टर बोल पड़ता है। ये हमारी फेवरेट जगह है, हम अपने सारे अच्छे काम यहीं पर करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही बस यहां से आगे बढ़ेगी। इतना कहते ही कंडक्टर सीट के नीचे रखी एक शराब की बोतल निकालता है। अरे ये सब क्या है, तुम्हारे बस में सवारी बैठी है, उन्हें घर पहुंचाने की जगह तुम यहाँ सड़क के बीच में बस रोककर शराब पियोगे? बस में लड़कियों के बैठे हुए भी तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? कंडक्टर कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराते हुए शराब पीने लगता है। तभी ड्राइवर और दूसरा आदमी भी कंडक्टर के साथ मिलकर शराब पीने लगते हैं। निकिता, मुझे इन तीनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, हमने इस बस में बैठकर बहुत बड़ी भूल कर दी। तू घबरा मत, मैं हमेशा अपने पर्स में छोटा सा चाकू रखती हूँ, उसके रहते ये तीनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखो गज्जू भैया, हमारी बस में इस समय तीन जवान लड़कियाँ बैठी हैं। कहो कहो, सबसे पहले किसका शिकार किया जाए? मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले वो जो पीछे अकेले जो बैठी है ना, उसे पकड़ कर लाओ, उसके बाद इन दोनों का प्रोग्राम फिट करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो आदमी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक उस लड़की की आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी और लाल होने लगती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल और उसके मुंह से नुकीले दांत दिखने लगते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या, ये लड़की अचानक इतनी खतरनाक कैसे बन रही है? इतने में वो लड़की उस आदमी को उठाकर वहीं सीट पर पटक देती है। मुझे हाथ लगाएगा, तेरी इतनी हिम्मत! जोर से चीखते हुए वो लड़की उस आदमी पर हमला कर देती है और पल भर में ही उस आदमी का काम तमाम हो जाता है। ये देख ड्राइवर और कंडक्टर के होश उड़ जाते हैं। इतने में ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए
तुरंत बस से बाहर कूद जाता है। पर तभी बस के पीछे की तरफ से तेजी से आ रहा एक ट्रक उसे कुचल कर चला जाता है। एक ही पल में अपने दोनों साथियों की मौत देख अब कंडक्टर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये सब देख निकिता और शीला के भी होश उड़ जाते हैं। वो चुपचाप अपनी सीट पर ही छुप कर बैठी रहती हैं। अरे अरे कौन हो तुम और तुम इतनी भयानक कैसे बन गई? अब वो लड़की गुस्से में गुर्राते हुए कंडक्टर का गला पकड़ लेती है। इतनी जल्दी मुझे भूल गए? कुछ महीनों पहले तुम तीनों ने बड़ी बेरहमी से मेरी हत्या की थी और फिर शहर छोड़कर भाग गए। कई दिनों से मैं तुम तीनों के इंतजार में भटक रही थी। आज जाकर मेरा बदला पूरा होगा। अब तू भी अपने साथियों की तरह जहन्नम पहुंच जाएगा। अब वो लड़की कंडक्टर को उठाकर बस के पास मौजूद खाई में फेंक देती है। कंडक्टर एक बड़े पत्थर से जा टकराता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ ये सारा नजारा देख शीला और निकिता बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उन दोनों को होश आता है तो वो अपने आप को एक सरकारी अस्पताल में पाती है।